सो हे गाइज, वेलकम बैक क्रिप्टो लवर फॉरएवर। वेल आई होप यू आर विल बी फाइन। सो गाइज, अगर इस समय हम करंट क्रिप्टो मार्केट सिचुएशंस की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट के हाल जो कि ठीक नहीं चल रहे हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा हमें वोलेटाइल देखने को मिल रही है। अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन जो कि एक अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन कर रहा था एंड अभी वो फिर से जो है $25,751 के अराउंड जो फिर से देखने को मिल रहा है। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें कल की, तो कल के अभी तक जो है हमें बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। एंड जो मैंने तीन टॉप मोस्ट वैल्यूएबल आपको कॉइन बताए हुए थे, सोलाना, मैटिक एंड अडा, इनके अंदर भी एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। एंड साथ ही साथ एक कॉइन द सैंड बॉक्स, उसके अंदर भी एक अच्छा फॉल देखने को मिला है हम लोगों को। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे जब बिनायंस के ऊपर कह सकते हैं लॉ सूट फाइल हुआ, कॉइन बेस के ऊपर लॉ सूट फाइल हुआ, तो उसके बाद से हमें क्रिप्टो मार्केट के सिचुएशन जो है काफी बदलते हुए देखने को मिले। एंड यहाँ पे जो एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को सस्टेन करने को हम लोगों को मिल रहा है। अगर हम यही बात करें पिछले मंथ के, यहाँ यहीं पे मंडे की है 5 जून को, एंड 5 जून को आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक कितना बड़ा यहाँ पे पंप डाउनफॉल देखने को आया। एंड उसी सिक्स डेट को जो है मार्केट फिर से एक अच्छा सा पंप कर जाता है एंड अच्छे लेवल को सस्टेन कर जाता है। एंड यहाँ पे जो है एक तरीके से बोला जाए ना तो यहाँ पे जो है लिक्विडिटेशन का खेल हो रहा है। एंड यहाँ पे जो सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं पर्सन तो स्पॉट में तो हो ही रहा है, एंड जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जी गाइज, यहाँ पे जो है आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है लिक्विडेशन हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ली होगी, आपने देखा मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आपने लॉन्ग की ट्रेड ली एंड अचानक से मार्केट डाउन हो गई। एंड यहाँ पे आपने सोचा कि मार्केट तो अब तो डाउन जा रहा है, आपने डाउन की ट्रेड ली, मार्केट अप हुई एंड फिर से डाउन। तो यहाँ पे जो मेन हो रहा है ना वो पूरी तरीके से लिक्विडेट किया जा रहा है मार्केट को। एंड यहाँ पे एक तरीके से अच्छा खासा जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। सो अभी के लिए फिलहाल फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा मार्केट को सस्टेन होने दीजिए एंड उसी के बाद में ट्रेड लेने की जो है कोशिश कीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तरीके से देख सकते हैं आप सिमेट्रिकल ट्रंगल के अराउंड जो हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इस ट्रेंड लाइन से इसको फॉलो करें तो यहाँ पे अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो है मार्केट अप ट्रेंड के नीचे जो है ये 30 मिनट के चार्ट पैटर्न पे मैंने इसको ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे जो मार्केट ने इसके नीचे जो है फिर से एंट्री ली है। सो अगर यहाँ पे इसके सपोर्ट की बात करें तो 25,400 का सपोर्ट है एंड 26,800 का जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल इनका बना हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट हो सकता है एक बार हमें फिर से और डाउन देखने को मिले एंड 24,600 तक के भी हमें यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं एंड उसके बाद में फिर से मार्केट सस्टेन करेगा एंड हमें एक अच्छे ट्रेंड की संभावना यहाँ से देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, अगर हम अपनी फर्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है क्रिप्टो पोटैटो की तरफ से एक आर्टिकल है एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है द रीजन बिहाइंड सोल मैटिक अडा सैंड क्रैश टुडे। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी वीडियो स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो है मैटिक कॉइन के अंदर, सोल कॉइन के अंदर एंड अडा के अंदर काफी बड़ा क्रैश देखने को मिला एंड साथ ही साथ सैंड बॉक्स के अंदर भी एक अच्छा सा क्रैश देखने को हम लोगों को मिल गया है। एंड इसका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो सोलाना जो कि 1273 रुपए के अराउंड हमें फिर से देखने को मिल रहा है एंड इसके अगर लो की बात करें तो 1100 रुपए तक का इसने लो लगाया है एंड 1184 का लो लगाने के बाद में हमें फिर से जो है 1275 के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम इसको इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखते हैं तो एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका लेवल है एक अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन कर रहा था, थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को इसके अंदर मिला था। बट यहाँ पे आप देखिए कितना बड़ा यहाँ पे गेम होता है एंड वन डेज के अंदर ही आपको मार्केट के अंदर कितना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पे लास्ट 30 मिनट की कैंडल के अंदर तो कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। $16 से जो हमें इसका प्राइस 1650 के अराउंड से इसका प्राइस हमें सीधा $13 के अराउंड देखने को मिला, यानी कि $3.5 का जो है कह सकते हैं डिफरेंट आ गया मात्र 30 मिनट की कैंडल के अंदर, वो भी एक न्यूज के कारण। तो यहाँ पे अभी ये अपने जो है सपोर्ट लेवल के पास में हमें देखने को मिल रहा है एंड इसकी जो एक कह सकते हैं कि असेंडिंग ट्रेंगल जो इसके चार्ट पैटर्न पे बनता हुआ देखने को मिला एंड इसका ब्रेकआउट जिधर भी होता है तो वहां से हमें अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी
वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट किधर को सस्टेन्स करता है डजंट मैटर, बट यहाँ पे जिस तरफ इसका ब्रेकआउट होता है तो उस तरफ हमें जो है एक अच्छा सा कह सकते हैं कि ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एंड हम एक अच्छा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो सोलाना कॉइन के अंदर जो है आप थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा, यहाँ से एक तरीके से ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है बन सकती है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉइन की तो वो है पॉलीगन मैटिक कॉइन। जी हाँ गाइस, 49 के लेवल पे आ चुका है पॉलीगन मैटिक, 2% का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है एंड कितने ज्यादा लेवल से जो है कितना सस्टेंस करके अभी 49 के ऊपर देखने को मिल रहा है। एंड इसके अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर हमें जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अराउंड जो है आप देखें तो 30 मिनट के अंदर जो है सारे जो है कॉइन्स के अंदर एक हमें अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला जैसा कि मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे भी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है इन इस यहाँ पे इस लेवल के अराउंड, क्योंकि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जब भी ब्रेकआउट होगा तो अगर नीचे का लेवल मिलता है हमें, सो नीचे का लेवल यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है $0.51 के अराउंड, तो यहाँ तक आएगा। एंड अगर अप लेवल जो होता है अब ऊपर की ओर जाता है तो हमें यहाँ पे जो है इसका जो है 0.80 तक भी देखने को मिल सकता है। तो अभी भी ये अपने सपोर्ट एंड लेवल के थोड़ा सा डिफरेंट है एंड अब ट्रेंड इसमें भी बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। सो मैटिक के अंदर भी एक अच्छी सी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है, तो मैटिक पे भी अपनी नजर बना के रखिएगा। एंड अगर हम थर्ड कॉइन की बात करें तो कार्डानो, जो कि हमें 21 के लेवल पे देखने को मिल रहा है एंड 9% का इंक्रीजमेंट हमें इस कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम पिछले 7 डेज की बात करें तो इस कॉइन ने जो है 31 के लेवल से हमें जो है 19 तक के लेवल दिखाए हैं, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे इसने भी डाउनफॉल हमें दिखाया हुआ है। एंड अगर हम लास्ट 1 मंथ का बात करें तो 50 रुपए के अराउंड चल रहा था कार्डानो एंड अभी जो है 18 पे सस्टेंस कर रहा है, तो कार्डानो के अंदर भी आप थोड़ी सी अपनी नजर बना के रख सकते हैं। बट अभी आप इन कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बिल्कुल भी मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इन कॉइन्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। सो मार्केट किसी भी तरफ को हमें जो है मुंह दिखा सकता है, तो हमें इस पे थोड़ा सा सस्टेंस देखने को मिले तभी हम इसको अंदर जो हमें इसके अंदर जो है एक कह सकते हैं कि स्पॉट ट्रेडिंग में जो है स्पॉट के अकॉर्डिंग जो हमें ट्रेड लेना है। एंड फ्यूचर में आप ट्रेड ले रहे हैं तो देखने को मिल रहा होगा कितना ज्यादा हमें इसके अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड मार्केट जैसे सस्टेंस होता है तो हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे एंड आपको जो है सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। एंड लास्ट कॉइन हमारा जो है द सैंड बॉक्स है, जो कि 31 रुपए के अराउंड फिर से देखने को मिल रहा है, तो सैंड बॉक्स भी काफी ज्यादा डाउन आ चुका है एंड इन कॉइन्स के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। मार्केट में फोमो फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मार्केट अभी हमें एक बार फिर से और डिप लेवल दिखा सकता है, 24 तक का बिटकॉइन हमें फिर से देखने को मिल सकता है। एंड ये कॉइन्स आप बिल्कुल भी मत डरिएगा कि इतना नीचे आने के बाद में अब ये ऊपर नहीं जाएंगे भैया। आप अगर हम बात करें सोलाना कॉइन की तो सोलाना कॉइन को आप सभी जानते हैं, पिछले जब FTX कोलैप्स हुआ था तब सोलाना जो है 700 के अराउंड हमें देखने को मिल रहा था एंड उसके बाद में फिर सोलाना में 2200 तक के लेवल फिर से दिखाए। तो सोलाना जैसे बड़े बेस्ट कॉइन्स हैं, इनमें रिस्क एंड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, रिस्क मतलब कम होता है एंड रिवार्ड रेशियो काफी ज्यादा होता है, तो आप इन कॉइन्स के अंदर अपनी जो है कह सकते हैं एक होल्डिंग जरूर बना के रखिएगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए एंड जैसे ही मार्केट में कुछ है अच्छी न्यूज एंड सस्टेंस होती है मार्केट, सो हम आपको जो है फिर से बताएंगे एंड आपको जो है इसके अकॉर्डिंग पूरी जो है जानकारी देंगे कि आप कैसे कितने कहां पे जो है इसकी अपनी एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। एंड गाइज आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, सो फटाफट टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी अपडेट जो कि वीडियो के माध्यम से आपको नहीं प्रोवाइड हो पाती है, सो वो टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो से पहले आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश करता हूँ। सो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्रिप्टो लवर फॉर एवर।